आज के पांच बड़े सवालों के साथ शुरुआत कर रहे हैं। कल अयोध्या में मोदी की रैली है, साधु संतों को बड़ी आस है। संत बोल रहे हैं अगली सरकार में सबसे पहले मंदिर का काम होना चाहिए। 15 घंटे बाद श्री राम मंदिर पर क्या बड़ा ऐलान होने वाला है, ये है देशहित की पहली खबर। इसके अलावा चौकीदार चोर है पर राहुल गांधी ने माफी मांगी, नागरिकता पर गृह मंत्रालय का नोटिस चला गया। तो 132 करोड़ हिंदुस्तानियों से राहुल गांधी का क्या ये सबसे बड़ा धोखा है, पूरी खबर 5 मिनट पर, 8:05 पर। वही हिमालय पर सेना को मिले हैं 32 इंच लंबे पद चिन्ह, हिम मानव का शक जताया जा रहा है। ये जो बड़े बड़े ये जो चिन्ह पाए गए हैं, लेकिन विपक्ष इसको कह रहा है कि ये तो मजाक बनाया जा रहा है। 2019 चुनाव में क्या अब येती की एंट्री हो गई है, 8:25 पर आज का देशहित स्पेशल। इसके अलावा आतंकवादी मसूद अजहर पर चीन बोला, बातचीत से हल निकालने को तैयार। आतंकवाद के खिलाफ भारत के ग्लोबल पार से क्या चीन झुक गया है, चीन की कहानी 8:35 पर। और चीन के ग्लोबल टाइम्स की ओर से दावा किया जा रहा है कि 2019 चुनाव नतीजों में सबसे बड़ी पार्टी होगी बीजेपी। ब्रांड मोदी पर देश के बाद क्या अब दुनिया को भी भरोसा हो गया है, 8:40 पर मोदी से जुड़ी हुई ये इंटरनेशनल खबर।